नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी कॉप धर्मवीर सिंह में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 री एग्जाम संबंधित बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस जो आपकी 17 और 18 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था, जिसमें कुछ बच्चों ने एग्जाम नहीं दे पाया था, कुछ बच्चे कारणवश तो वो एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए थे, तो ऐसे बच्चे हमारे पास कमेंट कर रहे हैं क्या हमें इस बार यूपीपी में फिर से एग्जाम देने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आप जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, जैसा कि हम लोगों को बता रहे हैं और आप लोग देख भी रहे होंगे कि अभी क्या था, अभी जो भर्ती की जो प्रोसेस थी वो आपकी चुनाव की वजह से ठप थी। अब आपकी धीरे धीरे करके चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आपकी संपन्न हो रही है, और चुनाव की प्रक्रिया संपन्न है, भर्ती बोर्ड तैयार है, भर्ती बोर्ड तैयार है और भर्ती बोर्ड में तैयारियां भी चलने लगी हैं। आपकी बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर कमेंट कर रहे थे कि चुनाव के मध्य क्या यूपीपी का एग्जाम हो सकता है, पहले जो आप कमेंट कर रहे थे, लेकिन अब आपको देखो चुनाव संपन्न हुआ, अब आप भर्ती बोर्ड तैयारी में है, तो आप लोग समझ लीजिए कि बहुत से बच्चे हैं, पहले वो समझ लीजिए कि उन्होंने जैसे कि मान लीजिए जो आपका 17 और 18 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था चार पालियों में, जिसमें से लगभग मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कम से कम 2 लाख बच्चे, एवरेज बता रहा हूँ 2 लाख बच्चे थे जो एग्जाम सेंटर था आपका था, एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, बहुत से भी ट्रेन मिस हुई थी, बहुत से मतलब पहुंचने में थोड़ा समय हो गया था। जैसे कि आपका मान लीजिए अगर आपका एग्जाम 8 बजे से है तो आपको एग्जाम सेंटर पर 7 बजे पहुंचना होगा, 7 बजे, तो बहुत से बच्चे पहुंच पाए थे लगभग 8 बजे, बहुत से बच्चे पहुंच पाए 8:15 बजे, इस प्रकार से एग्जाम सेंटर पर पहुंच पाए थे, और उनका एग्जाम सेंटर का जो गेट है वो बंद हो गया था, एग्जाम सेंटर का गेट बंद हो गया था, तो बहुत से बच्चे नहीं पहुंच पाए थे, एग्जाम उन्होंने नहीं दे पाया था, हमारे पास कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार और भर्ती बोर्ड, राज्य सरकार और भर्ती बोर्ड ने जैसा कि जैसे अभी परीक्षा से कैंसिल से संबंधित एक नोटिस आया था, आप लोगों ने देखा होगा, उस दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था 17 और 18 फरवरी को, वही बच्चे फिर से एग्जाम में बैठ पाएंगे, बल्कि वो बच्चे एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे जो बच्चे एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए थे, किस कारणवश जो एग्जाम परीक्षा देने नहीं गए थे, उन बच्चों को इस परीक्षा में मौका नहीं मिलेगा। तो ये बहुत से बच्चे हैं जो उस समय बता रहा हूं मैं, लेकिन अभी कोई न्यू अपडेट आने दो, जैसे अगर न्यू अपडेट आता है कि क्या इन बच्चों को शामिल किया जाएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। लेकिन आपका जो भर्ती है, भर्ती आपकी चुनाव की वजह से आपका जो एग्जाम था वो रुका हुआ था, और भर्ती बोर्ड ने इस बार तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपका जो बहुत से साथी लोग हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम है, देखो री एग्जाम होगा, जो एग्जाम पहले हुआ था उस पैटर्न में जो क्वेश्चन थे, क्या इस बार री एग्जाम होने से क्या कठिन प्रश्न आएंगे। देखो आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहूंगा, जितनी सारी परीक्षाएं होती हैं, मान लीजिए आपको किसी भी आप एग्जाम अगर आपने दिया हुआ बोर्ड का एग्जाम, किसी भी परीक्षा होती है, अगर उसका एक बार एग्जाम अगर कैंसिल हो गया तो दोबारा ये होता है, या तो आपका एग्जाम जो पहले आया था उससे सरल आएगा, और या फिर आपका कठिन आएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि जो आपका परीक्षा हुई थी, जो आपकी पहले परीक्षा हुई थी 17 और 18 फरवरी को, क्या उसी प्रकार का आपका पेपर आएगा, उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे,
बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप इस जो बच्चे हैं जो दिमाग में आपके मन में भ्रम होगा, आपके मन में बहुत से प्रश्न होंगे, क्या उसी प्रकार का आपका प्रश्न आएगा, उसी प्रकार का आपका किसी प्रकार का नहीं आएगा, आपका डिफरेंस आएगा, ये तो आपका सरल आएगा या आपका कठिन आएगा। और आपका जो सेंटर है, जो आपके पहले सेंटर थे, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, जो आपके सेंटर पहले होम डिस्ट्रिक्ट में थे, तो क्या इस बार सेंटरों में बदलाव देखने को मिलेगा? तो इसकी कोई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। और हाँ, पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जो यूपी पुलिस की भर्ती है, इससे संबंधित जो आपकी जो तैयारियां हैं, वो तैयारियां चल रही है। अक्सर कुछ लोग हैं जो भर्ती बोर्ड में, उनसे बातचीत होती रहती है, तो बताते हैं कि जैसे ही आपका इलेक्शन समाप्त होता है, इलेक्शन समाप्त होने के बाद आपकी जो यूपीपी की जो आपकी भर्ती जो प्रक्रियां है, जैसे कि रेडियो ऑपरेटर वाली है, ठीक है, और इसमें आपकी बहुत सारी भर्तियां हैं, जैसे पीएससी वाली भर्ती आनी है, पीएससी और एसआई, इस प्रकार की जो भर्तियां आने वाली है, सही भर्तियां एकदम स्टार्ट हो जाएंगी। तो बहुत सारी भर्तियां आने वाली है चुनाव के बाद। जितने साथी लोग हैं जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आप अपनी तैयारी बस अंतिम चरणों में, अब आपके पास लगभग 50 दिन से कम समय बचा है, तो इन 50 दिनों में आपको सिलेक्शन किस प्रकार से लेना है उसकी आप लोग रणनीति बना लो। आप अपना टाइम टेबल बिल्कुल सेट कर लो कि मुझे इस टाइम ये पढ़ना है, उस टाइम ये पढ़ना है। और आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो मॉक टेस्ट में आप ये देखना कि आपके नंबर किस सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट पर आप ज्यादा फोकस करें, ठीक है भाई लोग। यूपीपी री एग्जाम से संबंधित अगर और कोई अपडेट मिलती है तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।